guys, welcome back to my vlog channel. Myself Sabha and today I am back with a new and interesting video. So guys, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा ईद व्लॉग, मतलब ये कि चांद रात वाले दिन और ईद के दिन मैंने क्या क्या करा आपको इस वीडियो में वो सब देखने को मिलेगा। उससे पहले अब आप सोच रहे हो तो मैं ये मेकअप करके क्यों बैठी हूँ, तो गाइज मैं बता दूँ कि ईद कैप्शन आइडियाज़ डालने के लिए मैं तैयार हो रखी हूँ और आप देख सकते हो ये पूरा सामान मैंने पूरा फैला रखा है, ठीक है। और मेरा पूरा घर फैला हुआ है और मैं बैठ के यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ ये रोज़ का है। सो बैक साइड में भी देख सकते हो, प्लीज़ इग्नोर पहले आप सफाई कर लूँ। 2 hours later सो गाइस सारा काम हो चुका है, लाइक घर की सफाई इज़ ऑलमोस्ट डन, सब कुछ कर लिया है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस अब करना ये है कि नहा धो के पूरी फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, वही वीडियो जो मैं उस टाइम रिकॉर्ड कर रही थी मेकअप वेकअप करके एडिट करके अपलोड करना है और उसके बाद थोड़ा सो लूँगी, उसके बाद इफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ये देखो गाइस मेरे रूम में धूप कितनी अच्छी आ रही है, यहीं पर वीडियो बनाने का मन कर जाता है मुझे। जैसे मैं धूप देखती हूँ ना इस टाइप की, मेरे को मन करता था कि मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूँ। देखना चाहिए धुआं दिख रहा है बस, इतना लेंस तुम्हारा कहाँ तगड़ा हो गया। नहीं तब भी हल्का सा भी दिखता है, नहीं है गाइस मैं बाद में चांद एडिट कर दूंगी, ठीक है। अभी चांद दिख नहीं रहा है मेरे को। ओके गाइस अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:24 हो रहा है टाइम, आई गेस आपको भी दिख जाएगा 10:24 टाइम हो रहा है अभी। और मेहंदी लगानी थी मुझे, सारे काम निपटा के बैठी हूँ मैं। एक्चुअली कज़न की शादी 8 तारीख को, मैं सोच रही नहीं लगाऊँ क्योंकि फिर उस दिन तक मेहंदी ना ये अजीब से हो जाती है, तो उस दिन लगा लूँगी। बट ठीक है ईद क्या है तो एक हाथ में लगा लेती हूँ सिर्फ इस साइड, तो अब लगाने बैठती हूँ। इतनी थकी हुई है ना, लगाने का दिल नहीं कर रहा है मेरा। सो गाइज आई एम डन, लगा लिए मेहंदी, बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल लगाई है, वो भी सिर्फ इधर लगाई है, इस हाथ में वो भी नहीं लगाई मैंने क्योंकि यू नो द रीज़न आई टोल्ड यू। और हाँ गाइज़ मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, चांद रात मुबारक। वैसे मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे विश कर दिया है बट यहाँ पे सिर्फ विश नहीं करा मैंने आपको। मैं बहुत थक गई हूँ। 5 hours later सो गाइज़ अभी हम सोने जा रहे हैं। सो गाइज़ अभी हम उठ गए गाइज़ में बनाना रुक जाना यार गाइज़ मैं गाइज़ कर रही हूँ मैं ना, सोते टाइम रिकॉर्ड करना भूल गई थी, अभी उठ गई हूँ मैं। टाइम क्या हो रहा है, टाइम है 12:15 झूठे अबे दिखा ना टाइम जल्दी से। गाइज ये देखो टाइम, तेरे फोन डिस्प्ले करवाएगा गाइज, ये देखो टाइम चेंज हो गई टाइम तो दिखा नहीं, उल्टे पे दिख नहीं रहा। चल भाई मेरा गया था जामा मस्जिद, ये अभी आया है, इसने उठा दिया आके, आने वाला था 12 बजे और अभी आया है। तो गाइज अब जा रही हूँ, मैंने ये भी ट्राई करा था, देख जामा मस्जिद का है। हाँ। मोहब्बती शरबत जो पिलाते हैं ना ऐसे ही बुलाते हैं लोग। मेरा ब्रश किधर है मम्मी? गाइस ब्लॉगिंग करना इज़ नॉट दैट इजी जॉब, मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ फिर मुझे याद आता है अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं। आप लोगों को जादू दिखाऊँ, पापा उठ गए हैं, छोटा भाई उठ गया है, ठीक है, और एक और आदमी उठ गया, दिखाते हो ये भी उठ गई है। भूख लगी है बिट्टी खाने को, रुक खाना हो रहा, खाना ऊपर ऊपर ये खा लो। सो गाइस अभी सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं फजर की, सब लोग जा चुके हैं, बाबा जा चुके हैं, भाई जा चुके हैं। तो गाइस सब नमाज पढ़ के आ चुके हैं पिटेगा तू बहुत। आ गए नमाज पढ़ के? तो कौन सी नमाज पढ़ के आई तो बताए, ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। कौन सी नमाज पढ़ के आई ये बताइए? नमाज पढ़ के आया। गुड। सो गाइस लगभग सारे काम हो चुके हैं, अब बस ये है कि इस रूम का बेडशीट वगैरह बिछाना रह गया था, वो भी कर देती हूँ। बाकी सारा काम हो गया है और कुकिंग रह गया है सिर्फ, जो मम्मी को हेल्प करूँगी नहा धोने के बाद, नहाना रह गया और तैयार होना रह गया, बाकी लगभग सारे काम हो चुके हैं। और ईद मुबारक अभी नहीं विश करूँगी मैं आपको, ओके, वैसे भी तैयार श्यार होके विश करते हैं। तब करूँगी, ऐसे नहीं। गाइज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि व्लॉग वीडियो मैं बहुत मेहनत करके बना रही हूँ, तो कैसे बनी, अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी है आप लोग मुझे सब कमेंट करके बताएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक करके जाएगा। प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा बना और क्या कमियाँ रह गई, क्या अच्छा बना, क्या ख़राब हुआ, सब कुछ आपको A to Z बताना है। वीडियो बना रहे हैं? अरे नहीं बना रहा हूँ यार, ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम्हारा जो ट्रेडिशनल वर्क है तुम करो, ठीक है, मेरा जो वर्क है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी वीडियो नहीं बना रहा मैं। लौट कर मैं न जाऊँगा खाली। काटना पड़ता है मेरे को बीच में से। वीडियो बना रहे हैं क्या? नहीं, वीडियो नहीं बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अरे नहीं बना रहा हूँ, नहीं, तुम अपना ट्रेडिशनल वर्क जारी रखो, ठीक है। और आपका भी ट्रेडिशनल वर्क दिखाती, रुके, सबका दिखेगा अभी, सबकी बोल खुलेगी, आपका भी। अरे यार, किस तरह कपड़े डले हुए, रुकी, अब मुँह तो दिखाइए अपना। बस वीडियो बना रही क्या? क्यों, आपने जो मेरा बनाया, क्या क्या बनाया मम्मी? ये क्या है? ये दही बड़े का पेस्ट है, दाल का, उड़द की दाल का। अच्छा, और क्या क्या बन रहा है? ये क्या है? ये दूध उबाली शीर बनेगा। अच्छा, और क्या क्या बनेगा? जर्दा बनेगा और शीर है, दही बड़े हैं। सब तैयार हो चुका है? कुछ हुआ, कुछ कर। यहाँ से लेना, यहाँ से ले, इस पे ऐसे करके चुप रहे। अब ले ईद का टाइम है, ठीक है। जुबा कैसे बताओ अभी तेरे को। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ फ़िलहाल, अभी सब नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, तो सोचा कि मैं आप लोगों से भी मिल लूँ। लाइक बिना तैयार हुए फिर मैं सलाम और ईद मुबारक नहीं करती, तैयार होके ही करते हैं। और मम्मी अभी नहाने गई हुई है। सो अब दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है खाने में। ओके, मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया, सच बता रही हूँ, मम्मी ने बनाया सब कुछ, जो भी दिखाऊँगी अभी। तो गाइज़, ये है शीर। ओके, आई डोंट नो ये दिखने में कैसा लग रहा है, बट मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और ये है दही बड़े, ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, सब पसंद है मुझे, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और ये है, थोड़ा कम पसंद है, सिवई, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बनी हैं और अभी बन रही हैं। बिरयानी बन रही है, और पहले मैं खा लूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी दही बड़े से। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़े, और मम्मी के हाथ के तो आ हा, दिख नहीं रहा होगा आई गेस आप लोगों को। अभी ना नमाज़ पढ़ के कोई आया नहीं है, इसलिए मैं अकेले खा रही हूँ। बहुत भूख लगी, क्योंकि रोज़े तो है नहीं अब कि हम भूखे रहे, I mean, फास्ट रखें। आई एम डन, मैं भाग चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने। अब बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, मज़ा आ गया। बोलो ईद मुबारक, बोलो आप सभी को ईद मुबारक, आप सभी को, मुबारक। आगे बढ़ गए। हाँ। हाँ, तो मेरे मम्मी के साइड की जितनी बहन उनकी बिल्कुल हरी आँखें, सरफराज स्माइल, बिल्कुल आँखें हैं। मम्मी की भी, मेरे नाना की खुद है। सबसे ज्यादा सरफराज ने खाया है, दादा के भाई थे ना, सबसे ज्यादा सरफराज ने खाया है। मेरे जो पापा की जो सारी जो फैमिली में दादियाल वाले सारे हैं। कोई स्पेशल वन आया है, मैं आप लोगों से मिलवाने जा रही हूँ। पहले आप लोग गेस कर लीजिए कौन है। ओके ओके, लाइव नहीं चल रहा है, बट अगर आपने सही गेस किया तो मुझे बताना कमेंट सेशन में, मिलवा ही देती हूँ। अब देखो गाइस कौन आया है मिलने। ईद का चांद हो गई है भाई, बिल्कुल नहीं आती है। मुबारक हो आप सबको। तो रौनक आई है मिलने, ईद मनाने आई है, अकेले आई है, आज बहनों के साथ नहीं आई है फिलहाल तो। और हम खाने दे रौनक को, वरना ये सोच रहे हो गया यार खाने तो दे मुझे। चल खा ले। आइए आइए, हजरत ईद मुबारक। ठीक है, कुछ ज्यादा दबा नहीं है। ईद मुबारक। अब मेरे को भी तो गले मिलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। ठीक है ठीक है, तुम भी मिलो। ईद मुबारक। है ना, पैर चला दो उधर का। ठीक है, साथ में देर से डाले ऐसी का हवा निकल रही है। मेरे पैटर्न दिख रहा है ना, वो बस। गाइस मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है, चेंज कर लिया है, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं। और फिलहाल घर में बहुत गेस्ट हैं अभी भी, यू नो ईद में हो ही जाता है ऐसा। सो मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, मैं सुबह 4 बजे उठी थी। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब व्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे कल एडिट भी करना है। आई मीन रात में तो नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। कल एडिट करके आपको सबको दिखाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड करूँ। तो गाइज आज के इस व्लॉग वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करें, और गाइज वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर से बताएं। और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने फैमिली के साथ जितने भी फेस्टिवल आए उन सभी को बहुत ही स्माइल करते हुए सेलिब्रेट करें। बाय बाय।